Hi guys, this is Krishnakant Singh. This is Shilpa Singh Rajput. This is Abhishek Singh. Again, welcome back to our channel Krishna Views. So guys, कैसे हो आप लोग? I hope आप लोग ठीक होंगे. जैसे तुम वैसे बोलते हो, this is Shilpa Singh Rajput. मेरे को ऐसा लगता है मेरा डायलॉग बोलना है अभी. याद आता है ये भी बैठा है, इसको भी अपना इंट्रोडक्शन देना है. तो आज हम लोग कौन सी वीडियो लाए हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं मस्ट वॉच पाकिस्तान टूर इन 6 मिनट्स पार्ट 2. पार्ट 1 पे हमने ऑलरेडी रिएक्शन कर रखा है, आप लोग देखना, हमें बहुत मजा आया था क्योंकि और वो वीडियो हमने काफी पहले की थी. हाँ, और उस पर काफी अच्छा रिस्पांस था और बहुत ही मस्त, मतलब ये समझ लो इतने अच्छे ड्रोन शॉट्स है ना इसके अंदर, मजे आ जाएंगे. और ये पार्ट 2 है तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा है मेरी अब, ठीक है. और ये जिस चैनल से है ये काफ़ी अच्छे कंटेंट बनाते हैं, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग इनका चैनल विजिट कर सकते हो और वहाँ से अगर और भी कोई वीडियोस हो तो आप लोग हमें सजेस्ट भी कर सकते हो. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं 6 मिनट में, पता नहीं कैसे ये पाकिस्तान दिखाते हैं और हम देखते हैं, उसके बाद ही अपने थॉट्स शेयर करेंगे आप लोगों के साथ. तो वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो के लिए, तो हमने इसको अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है आज. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जोशी नाम, हियर वी गो, 1 2 3 स्टार्ट. लाइन में प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट. पूरे नहीं बोलता ये, रो 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 एपिसोड 2. हां, ये पता है कौन सा वाला फ्लैग है? शायद से ये वाघा बॉर्डर वाला. हां, मुझे भी यही लगा. वाह, मेरे को ऐसे स्पीड बोट में बैठना है. ये शॉर्ट्स में बलूचिस्तान, केव सिटी. यहाँ पे बहुत मस्त, देखिए देखो, वाओ, स्टैचू जैसे बने होंगे यहाँ पे. यहाँ पे गाड़ी लेके घुसा रहे हैं लोग, क्या मजे आते होंगे यार, घूमी हो जाते होंगे भूल भुलैया. माय ड्रीम, ऐसे जगह कैंपिंग करो, खाना बनाओ, क्या मजा आ जाएंगे यार. जाकर यार तेजस इन कैंपर सियाल को टेंपल है यार, ये बताओ को डीजी फोर कायर गुल पाकिस्तान. इसका हमने देखा है शायद कलाम पालाम. आगे पानी का कलर अलग ही है. ओ, ये जम गया है झरना. झरना है वो, जम गया है. मोहम्मद लेक का नाम बोर्ड के पीछे कितना मस्त लग रहा है. गोल्फ क्लब मीरपुर. ग्रीनरी मतलब इतनी ज्यादा है ना यार. फॉरेस्ट जमा हुआ है ये. आइस नो फॉल ओवर हियर. नेचुरल ब्यूटी तो नो डाउट बहुत ज्यादा है, भर भर के ही है अच्छे से. ये सिंध साइड आ गया है, डेजर्ट से लेके स्नो सब कुछ है. हिंगोल नेशनल पार्क है, मजेस्टिक माउंटेन्स. वाह, ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन मेड है ये, लेकिन ये नेचुरल है. Wow. लोग इजिप्ट में जाते हैं ये चीज विजिट करने के लिए और ये यहाँ पे अवेलेबल है. कराची. छोटे छोटे बोर्ड्स भी है ना, बैठ के खुद ही चलाते रहो. शाहजहां मस्त.
शॉर्ट था ये देखो जरा तो चलने में क्या फील आ रहा है, किया कैसे है। पता है ऐसी जगह जाके ना भूल जाओ सब कुछ, वापस नहीं आना है, कोई टेंशन नहीं कुछ। ट्रांसपेरेंट वाटर, मैं तो बोलता हूँ ऐसी जगह जाके दो तीन दिन कैंपिंग करो, वहीं सो रात को भी। मस्कुलाहार, ये हमने बहुत बार देखा है, ये बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, ये काफी पॉपुलर है वहाँ पे, जैसे यहाँ इंडिया में ताजमहल है ना उस टाइप का है। यूनिक चीजें फेमस होती हैं हमारे पास, ये लाहौर में है, गुरु नानक करतारपुर, बहुत ज्यादा वाघा बॉर्डर लाहौर, वाघा बॉर्डर इंडिया का पड़ोस में, ये सब हमने देखे हैं अपने आंखों से। कितना लॉन्ग ब्रिज था ये, पानी के बीच में है ये। इस पे हमने किया था शायद रिएक्शन, नहीं कोई तो एक रैली थी कार रेसिंग वाली, उसमें हमने किया था म्यूजियम पंजाब तक्षशिला म्यूजियम, बुधा है तक्षशिला हमारे फिश पकड़ी है बहुत, वाओ क्या मजा आएगा फिश पकड़ो। और इंडिया की जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी वो तक्षशिला थी, डॉल्फिन इजीली मिलती नहीं है हर जगह। हाँ जो नेचुरल लवर है वो तो लोग के लिए जगह बेस्ट है। ये देखो बोर्ड से भगा रहे हैं बर्ड्स को, क्या लग रहा होगा ना इस टाइम में, क्या फील हो रहा होगा। तो गाइस आप भी कर सकते हैं फॉलो फेसबुक और यूट्यूब पर, सब्सक्राइब कर सकते हो। ये भी एक तरीके से देखा जाए तो टूरिज्म को प्रमोट करने का ही काम कर रहे हो। कैसा लगा तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या थी और वीडियो देख के क्या एक्सपेक्टेशंस मेरी, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ज्यादा ड्रोन शॉट्स होंगे, पर लगा था कि इंटरेस्टिंग होगा और हर चीज कवर होगी जो कि हुई, बलूचिस्तान से लेके गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, सब कुछ कवर किया, पंजाब, करतारपुरा, वाघा बॉर्डर, सब कुछ। और अभिषेक, मेरे को जो बेस्ट चीज लगी कि जितना ही मतलब खूबसूरत ये वीडियो बनाया गया उतना ही इस वीडियो को बनाने में मेहनत की गई होगी, क्योंकि जो जैसे शॉर्ट्स लिए गए हैं जैसे परफेक्शन के साथ शॉर्ट्स लिए गए हैं वो मतलब इजी काम नहीं रहा होगा इस वीडियो को बनाने में, इसलिए शायद पार्ट टू का हमें इतना टाइम लग गया, दो साल वाले पार्ट वन आया था। एक्चुअल में मैंने इनके चैनल पे देखा था ये जो क्लिप्स है ना, ये सारी क्लिप्स ये टू मतलब घूमते रहते हैं तो ये बनाते रहते हैं,
उन सारे क्लिप में से जब बहुत सारा टूर हो गया ना उनका कंप्लीट, तो उन उसमें से कुछ कुछ क्लिप्स काट काट कर ये वीडियो 6 मिनट में हमको दिखाया है। तो सिटी की वीडियोस जो होती हैं यार, सिटी की वीडियोस तो चलो देखते ही रहते हैं हम लोग, लेकिन ये जो मेरे को नेचुरल ब्यूटी है ना, इनके दिखाया हुआ मेरे को एक अलग ही एंगल लगा। जिस तरीके से मैंने देखा ना कि वहाँ पे इतनी शांति पीस है, पूरे मतलब माउंटेन माउंटेन है, हाँ। तो बीच में बैठे हुए एक फैमिली की अपना कुछ कैंपिंग करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब हम लोग ये ट्रैफिक और ये जो सिटी की लाइफ ऐसे सब कभी परेशान हो जाते हैं, टेंशन पोल्यूशन धूल मिट्टी, तब ऐसी जगह जाओ जहाँ पे दूर दूर तक कोई ना हो, बस शांति और शांति, समुद्र हो बड़ा सा है, जहाँ पे आप लोग पानी की आवाज सुन सको, जहाँ पे आप बर्ड्स की आवाज सुन सको। आजकल ये सब मिलना बहुत मुश्किल है, और पाकिस्तान ब्लेस्ड है अभी भी इतनी सारी नेचुरल ब्यूटी है उनके पास। तो और ये बहुत एक अच्छा काम हो रहा है कि इस चैनल के थ्रू ये प्रमोशन भी हो रहा है। इससे क्या होगा पता है, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स है ना वो खींचे हुए आएंगे पाकिस्तान में, क्योंकि इस तरीके की एक ही कंट्री में इतनी सारी चीजें मिल पाना ये बहुत ही बड़ी बात है। मैंने एक और चीज नोटिस की कि मतलब जो दूसरे कंट्रीज के पास जो मतलब अच्छे विजिट करने वाले प्लेसेस हैं, तो वहाँ के लोग उसको बिजनेस का सोर्स बना लेते हैं, वहीं पर दुकानें वगैरह डाल के जो नेचुरल ब्यूटी है उसको थोड़ा सा स्पॉइल कर देते हैं, पर यहाँ पे कहीं भी हमने दुकान वगैरह नहीं देखा। मतलब जो नेचुरल ब्यूटी है वो अभी तक वैसे ही है, बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि हम लोग जो टूरिज्म समिट हुआ था अभी 2019 उसमें इमरान खान की हम बातें सुन रहे थे, एक्चुअल में बहुत सारी जगह अभी भी पाकिस्तान में ऐसी है जो अभी डिस्कवर्ड ही नहीं हुई है। तो लोगों को पता ही नहीं है, यही बोले रहते हैं कि जब भी छुट्टियां पड़ती हैं ये पड़ते हैं लोग भागते हैं दूसरी कंट्रीज में घूमने के लिए, उनको यही नहीं पता कि अभी पाकिस्तान में भी कितनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी जगह है पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान चले जाओ तो मतलब आपको तो मतलब मजा ही आ जाएगा। तो गाइस वीडियो हमें तो बहुत ज्यादा पसंद आई है और हमारा तो मन करता है घूमने का, है ना, लेकिन देखेंगे फ्यूचर में कभी क्या होता है। तो गाइस चलते हैं हम लोग, और आप लोग अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करे बिना तो मत ही जाना, और जो भी आप लोग के दिल में हो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना, मेरा भी चैनल है उसको भी एक बार जरूर विजिट करना, मेरा भी चैनल है उसको भी एक बार जरूर विजिट करना। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सारी लिंक्स मिल जाएगी और इंस्टाग्राम पे हमें आप जरूर फॉलो कर सकते हो हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड रहने के लिए, और हम वहाँ पे भी बहुत सारे क्यू एंड ए और ये सब करते रहते हैं। तो गाइस चलते हैं हम लोग फिल्मिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी गाइस।